वहीं से हम आगे बात करने जा रहे हैं, वहीं से हम आगे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, आपको जो भी फैमिलीज के अंदर कमांडमेंट हासिल करनी है ना, कमांडमेंट हासिल करने के लिए जो भी आपको कमांडमेंट हासिल करनी है उसमें आपके पास पहली फैमिली के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है, फैमिली सॉलिनेस। अब देखिए, हर फैमिली के अंदर मैं आपसे जो बातें करूंगा वो बातें ऐसे करूंगा कि जो चीज ज्यादा प्रेफरेबली पूछी जाती है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ बात करूं। सवाल आपके पास ऐसे भी आ सकता है, इसके अंदर सवाल इसमें आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि फ्लोरल डायग्राम आपको दे दी, पांच फ्लोरल डायग्राम दे दी ए बी सी डी ई करके। अब कौन सी फ्लोरल डायग्राम किससे बिलोंग करती है, ठीक है, कौन सी फ्लोरल डायग्राम जो है वो किससे बिलोंग करती है, तो ये फ्लोरल डायग्राम जो है वो आपने इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होगी, हाँ इस फैमिली से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको फैमिली का मेंबर बता दिया और फैमिली का मेंबर बताकर पूछा जा रहा है कि हाँ भाई इसकी फ्लोरल डायग्राम जो है वो आपके पास कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूँ फैमिली सॉलिनेसी के बारे में। लेकिन सॉलिनेसी के अंदर जो है वो आपके पास जो चीजें मौजूद हैं ये फ्लोरल डायग्राम फैमिली सॉलिड। अब पूरी फैमिली आपको की बहुत सारी चीजें जो है वो इसी फ्लोरल डायग्राम पे आपको याद बुलानी चाहिए, ठीक है, इस एक फ्लोरल डायग्राम पे आपको सारी चीजें जो है वो याद बुलानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिनेसी फैमिली के अंदर होती है एक्साइल प्रेसेंटेशन, ठीक है, इसके अंदर होती है आपके पास एक्साइल प्रेसेंटेशन। तो जो ओवरी आपको नजर आ रही है उसमें आपको यहाँ पे एक्साइल प्रेसेंटेशन नजर आ रही है, ठीक है, एक्साइल प्रेसेंटेशन आपको उसके अंदर नजर आ रही है। मजीद अगर आप देखिए, इसके अंदर सैंपल आपस में जुड़ी हुई है, पैटर्न आपस में जुड़ी हुई है, ये पास है, ये पास है, स्टेमिंग आपको पांच नजर आ रहा है। ओवरी जो है वो इसकी ये भी हो सकती है और ओवरी इसकी ये भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरह की आपको ओवरी जो है उसके अंदर जा सकती, ठीक है, आपको उसके अंदर जो है वो दोनों तरह की ओवरी जो है आपको उसके अंदर दोनों तरह की ओवरी जो है वो मिल सकती, ठीक है, दोनों तरह की आपको ओवरी जो है उसके अंदर मिलेंगी, ठीक है, जो दोनों तरह की ओवरीज जो है आपको उसके अंदर मिल सकती है।
चलें, ये आपके पास हो गई इसकी फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम आपके सामने मौजूद है, तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, इसके फ्लावर होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ये बाइसेक्सुअल का निशान, ठीक है, ये वाला निशान जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये वाला निशान जो है वो बाइसेक्सुअल भी है, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। इसके अलावा आपके पास कैरेट्स पेटर्स फाइव में आपस में जुड़ी हुई है, पेटर्स फाइव में आपस में जुड़ी हुई है, स्टैमेन जो मौजूद है पांच है। कार्पस के बारे में बात करें, दोनों कार्पस आपस में यूनाइटेड है, वो भी सुपीरियर, ठीक है, दोनों कार्पस आपस में यूनाइटेड हैं और ओवरी जो है वो आपके पास सुपीरियर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, कैलेक्स करोला एंडोशियम और गाइनोशियम, बहुत बेसिक चीजों से शुरू कर रहा हूं, बहुत तामुन से आराम से एक एक फैमिली हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। और पहली फैमिली फैमिली सोरेनेसी, इसमें कोई बातें याद रखने की नहीं, जिसने भी जिस इंसान ने भी कभी फूल देखा होगा उसको पता है कि उसके अंदर कैलेक्स करोला एंडोशियम और गाइनोशियम मौजूद होते हैं, ठीक है, कैलेक्स करोला एंडोशियम गाइनोशियम मौजूद होते हैं। कैलेक्स के कंपोनेंट सेपल्स हैं, करोला के कंपोनेंट्स पेटल्स हैं, एंडोशियम के कंपोनेंट स्टैमेंस हैं और गाइनोशियम के कंपोनेंट्स कार्पल्स या पिस्टल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सोलेनेसी की कुछ चीजें, ठीक है। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट मेंबर्स की तरफ बढ़ो, लेकिन आपको एक बात बताऊं, एग्जाम ये मत सोचें कि एग्जाम में क्या आएगा, आपके पास सिलेबस मौजूद है कि आपको क्या क्या करके आना चाहिए। पास्ट पेपर्स में फ्लोरल फॉर्मूले भी पूछे हैं, फ्लोरल डायग्राम भी पूछी, सब चीजें पूछी है, अब हम कोई चीज छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके फैमिलीज करेंगे, अभी माशाल्लाह से आपके पास टाइम है कि आप उसको बड़े अच्छे से कर सकते, ठीक है। लेकिन साथ साथ याद कर लें, जहन पे ये ना सवार करेंगे हमें A-levels को मैंने तो फैमिलीज पढ़ी नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज ही नहीं है। जारी बात है, जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है उसने पहले पढ़ी भी नहीं होगी, कर लेता है, ठीक है। कोई इसमें ऐसे मुश्किल निशान नहीं है कि मैं आपको 100-200 निशान बताऊंगा, मुश्किल से इसमें देखें 5 सिंबल्स लिखे हुए, एक एक्टिनोमॉर्फिक बताया, कल आपको बताया था एक जाइगोमॉर्फिक, उस पर हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको याद करा देता हूँ, पहले जरा ये नोट करना चाहें कर लें जरा जल्दी फटाफट। खास तौर पे ये वो टॉपिक है जिसमें 11th वाले थोड़ा पीछे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इसके साथ साथ आ जाए।
चले इसके बाद आइए इंपॉर्टेंट मेंबर्स की तरफ। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, बस फिगर लिखी हुई आ रही है 94 पार्टिसिपेंट्स। आप सबसे कह रहा हूं जरा फैमिली सोलेनेसी मेंबर्स के इंपॉर्टेंट मेंबर्स और उनके आम नाम जो आपके अपने ध्यानों में रिकॉल कर लें। आपकी किताब खुली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपकी किताब बेटा नहीं खुली भी होनी चाहिए। आपने इसके सारे मेंबर्स जो है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम और कॉमन नेम दोनों अपने ध्यान में आपने रिकॉल कर लेना, ठीक है, दोनों नाम अपने जो है वो अपने ध्यान में रिकॉल कर लेना है कि इनके दरअसल नाम जो है वो इंपॉर्टेंट मेंबर्स और कॉमन नेम दरअसल क्या है, उसको रिकॉल कर लें जरा जल्दी से। मैं आपसे पूछना शुरू करूं, ये मेरे पास जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, अच्छा सुंदुस बताना चाह रही है, चले सुंदुस आप संध्या बताना चाह रही है, संध्या आप बता दें जरा। अस्सलाम वालेकुम, याद बताना चाह रही है सर आपने फ्लोरल फॉर्मूला में एपिपेटलस शो नहीं किया। हाँ मैंने एपिपेटलस शो नहीं, गुड, ये आ गया। चलो नाम बताओ इंपॉर्टेंट मेंबर्स। ये जो निशान है ये बाहर की फैमिली के अंदर है और ये सुंदर को जाहिर कर रही है। देखिए यहाँ पर ये जो निशान नजर आ रहा है ना, ये एपिपेटलस, अगर स्टैमेंस पेटल्स के साथ जुड़े हुए होते कि ऐसा गुमान होता है कि उसपे से निकल रहे हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एपिपेटलस, ठीक है, हम उसको नाम देते हैं एपिपेटलस। तो दिस इज एक्चुअली शोइंग व्हाट, दिस इज एक्चुअली शोइंग एपिपेटलस। हाँ बेटा इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम तो बता दो जरा। सर सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम मेलनजीना ब्रिंजल, सोलेनम, एक मिनट, जितने ही पार्टिसिपेंट्स बेटा आप सबको आवाज आ रही है, एक दफा मैं इनसे सुनवाऊंगा आपको और एक दफा मैं लिखूंगा भी, ठीक है, एक दफा सुनवाऊंगा भी एक दफा लिखूंगा भी, उससे ये होगा कि आपको अभी मेरे साथ ही याद हो जाना चाहिए। जितने 11th वाले बेटा आपको भी मेरे साथ याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ अल्बा थॉर्न एप्पल, पेटूनिया अल्बा पेटूनिया, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम लेडी ऑफ नाइट, सेस्ट्रम डायर्नम और एट्रोपा बेलाडोमा। दोबारा आखिरी जो तीन बताया दोबारा बोलो। सेस्ट्रम नॉक्टर्नम लेडी ऑफ नाइट, सेस्ट्रम डायर्नम दिन का राजा और एलेट्रोपा बेलाड्रोमा। एलेट्रोपा बेलाड्रोमा ये क्या है? ये नाइट शेड होता है। हाँ नाइट शेड होता है, ठीक है, और इसका एक और नाम एट्रोपिन भी होता है कि अक्सर हम जो मेडिसिन में एट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में, तो एट्रोपिन, ठीक है। चले एक दफा इन्होंने नाम बता दिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं बोर्ड पे सिर्फ ए लेवल वालों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जब ये चैप्टर शुरू होता है तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो ए लेवल वाले होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें ये भी करना पड़ेगा। बेटा कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं आपको कोई 100-200 नाम याद नहीं कराऊंगा, टोटल मुश्किल से 30 होंगे, इस फैमिली में ज्यादा है लेकिन टोटल मुश्किल से 30-35 नाम होंगे, ठीक है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, याद रखिए, वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, 80 क्वेश्चन जब आपके आ रहे हैं तो हम लोग रिस्क ले नहीं सकते बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है वो आप जो है वो उसको याद करेंगे, ठीक है। मैं इनसे एक दफा मैंने इनसे कहलवा दिया है, अब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है।
भी आपको पढ़ के भी बताऊंगा। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनजीना, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, कैप्सिकम एलम। एक दफा पढ़ देता हूँ, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, ठीक है, रात की रानी, लेडी ऑफ द नाइट, सेस्ट्रम डायर्नम, दिन का राजा, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, सोलेनम मेलनजीना, ब्रिंजल, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो, कैप्सिकम एनम, रेड पेपर, निकोटियाना टिबेकम, टोबैको, कटूरा अल्बा, हॉर्न एपल, पेटूनिया अल्बा, पेटूनिया। अभी का भी आपने याद करना है, मैं किसी भी के माइक पे क्लिक करके उससे पूछ सकता हूँ, ठीक है। अभी का भी आपने याद करना है, दो मिनट दे रहा हूं, अभी फौरन का फौरन याद कर ले। बायोलॉजिकल नेम है, कॉमन नेम, कुछ भी पूछा जा सकता है। जब आखिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के टेस्ट में ये फैमिलीज के बारे में बायोलॉजिकल कॉमन नेम पूछे जाते रहे, तो फिर वाई नॉट के आपसे पूछे जाएंगे एनडीएस का। चलें, इसके अलावा आपके पास मौजूद है एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना। जगह मेरे पास इस तरह मैं लिख देता हूं, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। इससे आप हासिल करते हैं एट्रोपी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास पेटूनिया अल्बा, डकूरा अल्बा, कैप्सिकम एलम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं।
और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, रसबरी वगैरह, ठीक है। इस पूरे फैमिली की एक खास बात है, ठीक है, तो तमाम मेंबर्स में मिलेगी आपको, किसी और फैमिली के मेंबर्स में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, किसी और फैमिली के मेंबर में आपको नहीं मिलेगी। सनाई जान कर हैंड रेज करो, हाँ बेटा आप मुझे बताओ कि इस पूरी फैमिली की एक खास बात है, ठीक है, इस पूरी फैमिली की एक खास बात है कि आपके पास जो किसी और फैमिली की खास बात नहीं, वो क्या चीज? सर इसके कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं। एक्सीलेंट, सुपर। किसी ने भी अगर मिर्चे देखी हो ना, मिर्चे या बैंगन देखे हो, तो बैंगन जब भी बनाते हैं तो उसकी जो कैलिक्स होती है ना, ठीक है, उसकी जो कैलिक्स होती है वो बनाई जाती है उसके ऊपर। ये बैंगन है, इसका जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन मार्कर फिलहाल नहीं है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका परसिस्टेंट कैलिक्स इसके ऊपर बनाया जाता है, ठीक है, ये परसिस्टेंट कैलिक्स बेटा इसका बनाया जाता है इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर इसका परसिस्टेंट कैलिक्स जो है वो बनाया जाता है। ये जो परसिस्टेंट कैलिक्स इसकी सरफेस पे बनाया जाता है, ठीक है, ये जो परसिस्टेंट कैलिक्स इसकी सरफेस के ऊपर बनाया जाता है, ये परसिस्टेंट कैलिक्स है आपके पास इस तमाम फैमिली के मेंबर्स की फीचर में आप, ठीक है, इस पूरी फैमिली की इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर आपके पास ये चीज आती, ठीक है। चलें फैमिली में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लोरल फॉर्मूला बताया आपको, फ्लोरल डायग्राम बताई। अच्छा आप किसी के जहन में ये बात आएगी कि सर आपने हमें एक्टिनोमॉर्फी का मतलब तो बताया नहीं, लेवल वाले पूछेंगे, तो मैं साथ साथ आपको देखें चीजें और आसान भी करता जाता हूं, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फी का बेटा मतलब ये होता है कि अगर आप फ्लावर को किसी भी एंगल से काटें तो उसके तमाम के टुकड़े एक जैसे। अब एग्जाम में कहीं भी आपसे कोई एक्टिनोमॉर्फिक की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि किताब में मेंशन नहीं है, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक याद करने के लिए पता होना चाहिए कि कोई फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक या एक्टिनोमाइक्रोस्कोपी का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो फ्लावर गेट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, वो फ्लावर जिसको आप किसी भी टू इक्वल हाफ्स में कट करें, जिस एंगल से कट करना चाहें तो वो कट हो सकता, ठीक है, जिस एंगल से आप कट करना चाहें तो वो कट हो सकता हो, तो ये चीज क्या कराती है, ये चीज कराती है आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। चले बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? एक ऐसा फूल जिसमें एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों मौजूद हों, उसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। थोड़ा लफ्जों को आप गौर करेंगे तो उसी से आपको मतलब निकलना शुरू हो जाएगा। चलें इसके बाद आई फैमिली, फैमिली सोलेनेसी चूंकि आसान फैमिली है। अच्छा मैंने बोर्ड पे मेंबर्स के नाम लिखे हैं, अब आप लोग सारे के सारे जितने भी बैठे हैं पार्टिसिपेंट्स, जरा वो सोचें कि इनके काम क्या, इनकी इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, इसके काम सोचें जरा। जैसे ऊपर लिखा हुआ सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम डायर्नम, सोचें कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी। डायर्नम ट्यूबरोसा में इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी, ठीक है। अब इसकी आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सोचें कि हम इससे इकोनॉमिकली कौन सा फायदा हासिल करते होंगे, ठीक है। तो अब आप अपने जहन में जोर दें, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं आपको 6 दिन में 6 फैमिलीज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि आपने, आपको बता रहा हूं, दर्द सर है, अगर ये चीज बची रह जाए ना तो ये दर्द सर है बार बार तंग करती रहेगी आप। तो सवालात में फैमिलीज पूछी जाती है कुछ भी कह लिया, तो डेली आप अपना टारगेट बना लें कि आपने किताब से एक फैमिली की रीडिंग जो है वो सही से देनी है, और कोशिश करना पूरा पूरा आपने याद कर लें। अब इंपॉर्टेंट मेंबर्स में मैंने रसबरी का नाम नहीं लिखा क्योंकि रसबरी का बायोलॉजिकल नेम किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हस्क टोमेटो वगैरह दिया हुआ है,
लेकिन क्या कहते हैं कि रसबरी और दूसरे मेंबर्स हैं जिसके जो के इस फैमिली का हिस्सा है, उसके बायोलॉजिकल नेम या कॉमन नेम दोनों नहीं दिए हुए, इसलिए इस लिस्ट में नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने इस फैमिली के हर मेंबर को अच्छे तरीके से याद रखना। चलें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सनाई जल्द हाथ खड़ा करें जरा। हाँ जो मैं पूछूं बेटा वो आपने बताना है। सेस्ट्रम नॉक्टर्नम को बताओ। तो सेस्ट्रम नॉक्टर्नम ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल सही है, सजाने की। रात की रानी आप सोचिए इतनी अच्छी खुशबू होती है, मेरे घर के बाहर रात की रानी लगी हुई है और जिन दोनों इसके फ्लावर आते हैं रात को तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वहां से कहीं और जाऊं नहीं। ठीक है, इतनी अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह से। चले सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम डायर्नम का भी ऑर्नामेंटल काम है बेटा। सोलेनम ट्यूबरोसम का क्या काम होगा ये बताओ। वेजिटेबल है, वेजिटेबल है, बिल्कुल वेजिटेबल कहते हैं उसको है जो कि क्या कहती है कि आपके पास जो ओवरी से ड्राइव ना हो। ठीक है, ओवरी से ड्राइव होने वाली चीज फ्रूट कहलाती है और अदर पार्ट ऑफ प्लांट से जो चीज ड्राइव होती है आपको पता है आलू जो है वो स्टेम है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये क्या है, इसलिए आपके पास ये वेजिटेबल है। सोलेनम मेलनजीना सर वो भी ब्रिंजल है तो वेजिटेबल है। एज अ वेजिटेबल हम उसको कंसिडर करते हैं, टोमेटो को भी और ब्रिंजल को भी। चले रेड पेपर को भी हम एज अ वेजिटेबल कंसिडर करते हैं। निकोटियाना टिबेकम बताओ। सर वो नार्कोटिक्स में यूज होता है, सिगरेट वगैरह में। ठीक है, नार्कोटिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तंबाकू वगैरह के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ नार्कोटिक। अच्छा दतूरा हलवा का यूज बताओ। सर उससे कोई मेडिसिन बनती है। ठीक है, इससे आपको हासिल होती है दतुरिन, DATURIN, दतुरिन थॉर्न एप्पल। ठीक है, उससे मेडिसिन बनती है। पिटूनिया हलवा पिटूनिया हलवा बेटा बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जितने पार्टिसिपेंट वहां मौजूद हैं उनमें से कईयों को पता होगा हमारे घर में पिटूनिया लगा हुआ है, ये खुद ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह एट्रोपा बेलाडोना से मैंने शुरू में आपको बता दिया कि उससे हम मेडिसिन हासिल करते हैं। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना से हम मेडिसिन हासिल करते हैं, एट्रोपिन मिलती है। इमरजेंसी में अगर कभी मरीज हॉस्पिटल में ऐसा है कि उसका दिल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसको एपिनेफ्रिन और एट्रोपिन ये दोनों इंजेक्शन लगाते हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि एट्रोपिन हासिल होती है उससे मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी यूज इट एज अ मेडिसिन। चले तो हमने इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात कर ली, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर ली। बहुत आसान है याद करना, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए, डायर्नम सजाने के लिए, बाकी वेजिटेबल्स के तौर पे। इसके अलावा रसबरी जो है फ्रूट इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाजार में जो रसबरी मिलती है फ्रूट वाले के पास होती, सब्जी वाले के पास नहीं होती, एज अ फ्रूट जो है वो रसबरी हम इस्तेमाल करते। चलें इसके अलावा आ जाइए फर्दर आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए फर्दर आपके पास चले फैमिली में और क्या बातें बता दें आपको। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इंपॉर्टेंट मेंबर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपने जहन में रिकॉल कर लें, पूरे बोर्ड पे जो नाम लिखे हुए फटाफट अभी याद हो जाए। ठीक है, किसी भी ओवर लेवल ए लेवल वाले का नाम मुझे स्क्रीन पे नजर आ गया तो मैं उसको क्लिक करके उससे नाम पूछ लूंगा। मुझे सोरेन ऐसी फैमिली याद की भी चाहिए, अभी एक से दो मिनट दे रहा हूँ।
चले इसके बाद आइए फर्दर फैमिली में। अच्छा आप जहन में आप लोगों के आ रहा होगा कि सर आप फ्लोरल कैरेक्टर्स भी लिखते हैं, ठीक है, तो मैं चले आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स भी लिख देता हूँ, उससे आपको याद करना और आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद से बता रहा हूँ आपको ये चीज है वो याद हो गई होगी, ठीक है, इस उम्मीद पर मैं बोर्ड जो है वो बिता रहा हूँ। बाइसेक्सुअल कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है कि आपके पास चारों के चारों वर्ड्स मौजूद है। पेडिसिलेट, ठीक है, मेंबर्स इसके पेडिसिलेट हैं, यानी कि इनके पास पेडिसल मौजूद होती है, स्टॉक मौजूद होती है, ठीक है, इनके पास पेडिसल मौजूद होती है, स्टॉक मौजूद होती है। पेडिसिलेट की बात आ रहे हैं, हाइपोवाइनस, आपको टर्मिनोलॉजी लिखी हुई मिलेगी हाइपोवाइनस, ठीक है, हाइपोवाइनस होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल कंप्लीट, पेडिसिलेट, हाइपोवाइनस, पेंटामेरिस, अच्छा अब स्टूडेंट जब किताब की रीडिंग देंगे, खास तौर पे बेटा जब एलेवेंस वाले किताब की रीडिंग देंगे, चले एक्टिनोमॉर्फिक समझ में आ गया, बाइसेक्सुअल समझ में आ गया, कंप्लीट समझ में आ गया, पेडिसिलेट यानी कि उसकी डंडी मौजूद, ठीक है, आप गुलाब के फूल को डंडी से पकड़ते हैं तो गुलाब का फूल पेडिसिलेट होता है। हाइपोवाइनस होता है, ठीक है, हाइपोवाइनस क्या होता है जरा देखें बोर्ड से, हाइपोवाइनस का मतलब होता है ओवरी सुपीरियर, ठीक है, ओवरी सुपीरियर, ये आपके पास एक पूरी के अंदर ओवरी लगी हुई है, इसके बाकी तमाम वर्ड्स का है नीचे, और इसकी ओवरी जो है वो दरअसल ऊपर, और ये इसकी सेपल्स, ये इसकी पेटल्स, ठीक है, ये इसके स्टैमेंस,
ठीक है, ये इसके स्टैमेंस मौजूद हैं। तो अगर बाकी तमाम वर्ड्स के मुकाबले में अगर ओवरी ऊपर मौजूद हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम लेते हैं ओवरी सुपीरियर। Where is his ovary superior? Pentatarsus किसे कहते हैं? All the words in number of five or its multiple. ठीक है, all the words in number of five और इट्स मल्टीपल। ठीक है, तमाम की तमाम वर्ड्स जो है उनकी तादाद जो है वो फाइव है, ठीक है, या उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में मौजूद। ठीक है, ऑल द वर्ड्स इन नंबर ऑफ फाइव और इट्स मल्टीपल, ठीक है, या उसके मल्टीपल की फॉर्म में जो है वो मौजूद। ठीक है, ऑल द वर्ड्स इन नंबर ऑफ फाइव और इट्स मल्टीपल, यानी कि पांच सेपल्स हैं, पांच पेटल्स हैं, पांच स्टैमेंस हैं। ठीक है, पांच ओवरी नहीं है, चलेगा, कम से कम तीन या तीन वर्ड, वैसे चार वर्ड्स अगर पांच या पांच की तादाद में हो, दस हो, कोई पंद्रह हो, और एक पांच हो, एक दस हो, एक पंद्रह हो, फाइव और उसके मल्टीपल की फॉर्म मौजूद, हम वर्ड यूज करेंगे पेंटामेरस। अच्छा, हर फैमिली के अंदर देखिए, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हर फैमिली के अंदर ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, अगर आप इसी फैमिली के अंदर गौर से देख लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब अ फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी सेक्शन, बाय एनी वर्टिकल सेक्शन। बाइसेक्सुअल का मतलब कैंडोशियम और गाइनोशियम दोनों मौजूद है। कंप्लीट का मतलब अ फ्लावर हैविंग ऑल द फोर वर्ल्ड्स, ठीक है, वो फूल जिसके अंदर चारों के चारों वर्ल्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, वो फूल जिसके अंदर चारों के चारों वर्ल्ड्स मौजूद हैं, तो वो फ्लावर क्या कहलाता है, वो फ्लावर कहलाता है कंप्लीट। पेडिसिलेट का मतलब अ फ्लावर हैविंग पेडिसल, वो फूल जिसमें पेडिसल मौजूद है, ठीक है। हाइपोगाइनस का मतलब है ओवरी सुपीरियर। पेंटामेरस ऑल द वर्ल्ड्स इन नंबर ऑफ फाइव और इट्स मल्टीपल, तमाम के तमाम वर्ल्ड्स पांच की तादाद में या उसके मल्टीपल की फॉर्म में मौजूद, ठीक है, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं पेंटामेरस। चलें, अब दूसरी हेडिंग आएगी इसके बाद कैलिक्स की, ठीक है, इसको जरा नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। एक फैमिली अगर आपने शुरू में अभी सही से कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी मैंने शुरू में आपको सराय इजाज से तमाम लोगों को सुनवा दी है, ठीक है, तमाम लोगों को देखे मैंने सुनवा दी। वजह ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी हमारे इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सब चीजें आती हैं, ठीक है, उनका एक रिविजन चल रहा है जो बिल्कुल नया है, वो ए लेवल्स वालों के लिए बेटा नया और मुश्किल नहीं है, आपको बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा सीख लेंगे, ठीक है, इन क्लासेस में ये टाइम है, बड़ी आप अगर इस टाइम को यूटिलाइज करें, आपके पास बहुत जबरदस्त टाइम है, बस आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके, कि हाँ जो बाहर हालात चल रहे हैं कि ये बीमारी है वो, उससे अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके आप थोड़ा, अगर जो अपने स्ट्रेस पे काबू पा गया वो जीत गया, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम बेटा इसको दे दें आप। चले, नोट कर लें इसको, मैंने फ्लावर की हेडिंग पे खत्म किया, इंशाल्लाह सोरेन ऐसी फैमिली अभी चल रही है, यहीं से इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, 1 से 2 मिनट हमारी मीटिंग में रह गए, उसको नोट डाउन कर लें। और जो भी जब डेली का अपना उसूल बना लें कि जब भी मीटिंग शुरू हो रही है उसमें ये होता है कि पिछली मीटिंग एंड होने में ना हमें टाइम लग रहा होता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह में, तो बस आप अपना पिछले दिन का रिवाइज करते रहा करें कि आपको मीटिंग में एंटर किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हमारी दूसरी मीटिंग से चल रहे होते हैं, तो कुछ भी ऐसा हो आप बैठ के उसको पिछले वाला रिवाइज कर लिया करें, डेली अपनी आदत बना लें।
सर इंशाल्लाह आपसे बात होगी नेक्स्ट मीटिंग में।